क्या आनी चाहिए भाई? राम राम भाई साहब। राम राम भाई और राम राम भाई साहब। कौन सी पार्टी आनी चाहिए जींद? भाई जींद में नई पार्टी बननी चाहिए। आज तक जितनी भी पार्टियां बनी है किसी ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पे। अच्छा, नई पार्टी को मौका देना चाहिए। नई पार्टी का मतलब? मतलब राजकुमार सैनी LSP पार्टी आनी चाहिए। LSP आनी चाहिए भाई साहब। अपना क्या कहना है भाई? मैं तो नोएडा रह रहा हूँ यार, रहता नहीं। फिर भी मतलब यहाँ का मैंने यहाँ का जानकारी है नहीं भाई जी। फिर भी कोई पार्टी बढ़िया तो होगी ना? तो मेरा ही होगा बढ़िया पार्टी भाई। हम तो BJP नहीं दे वहाँ नोएडा में। तो अपने कहते भाई साहब ऐसा जी राजकुमार सैनी आना चाहिए। सभी पार्टियों को देख चुके हैं। अच्छा। अब की बार राजकुमार सैनी का मौका देना चाहिए। अब की बार सैनी की सरकार। हाँ, अब की बार सैनी की सरकार। अपना क्या कहना भाई? सही कहा भाई साहब ने, राजकुमार सैनी पार्टी आनी चाहिए भाई साहब। राजकुमार सैनी पार्टी? हाँ, राजकुमार सैनी की पार्टी आनी चाहिए। BJP में क्या दिक्कत लग गया? BJP में दिक्कत कुछ नहीं, नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दुष्यंत ना अपने राज तो नई पार्टी है। ऐसा है, राजकुमार सैनी भी तो नई पार्टी है। ऐसा जी दुष्यंत की आपकी बात सही है, जैसा बाप ऐसा बेटा। ठीक है जी, ठीक है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और क्या हाल भाई? अंकल जी बढ़िया। पार्टी कौन सी आनी चाहिए अंकल जी जींद में? पार्टी तो वैसे तो बढ़िया है भाई, BJP है। अच्छा, तो BJP आनी चाहिए। BJP आनी चाहिए। और ये दुष्यंत हैं, राजकुमार सैनी हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहना है? ये भी अच्छे हैं लेकिन काम जो इन करे हैं आगे आने वाले समय में इनका क्या पता कैसा करेंगे। तो मतलब BJP सही है? BJP सही है। वाजी अंकल जी की और राय ले रहे हैं, अंदर बैठे अंकल जी। सरकारी कर्मचारी कौन सी है क्या अंकल जी? हैं क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई सी आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। जींद में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? दुष्यंत की पार्टी आनी चाहिए। दुष्यंत की? दुष्यंत की। दुष्यंत की जी। आड़े तो भाजपा का सार है पूरा। भाजपा होगी? हाँ भाई साहब अपना क्या कहना है? ये तो आज जुड़ रहे हैं। भाजपा का पूरा विचार है। भाजपा का पूरा विचार है। दुष्यंत की? दुष्यंत की आओगी। आप तो कांग्रेस ने जिता रही है। हाँ वाह जी वाह वाह जी। राम राम जी। हाँ राम राम भाई। कौन सी पार्टी आनी चाहिए भाई साहब? भाई मारे गाड़ी घोड़ा ने देखी तो कांग्रेस ही ठीक थी। अच्छा। हाँ 10 साल ली कर दी, बड़ी ज्यादा रुपया दड़ा कर दिया, गरीब आदमी मारे गए। मेरी कांग्रेस आनी चाहिए। हम तो कांग्रेस ना मानना। कौन सी आनी चाहिए भाई? मारे हिसाब में तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए भाई। कांग्रेस। कौन सी पार्टी आनी चाहिए भाई? जो करिए हम तो एक बात देखा। हाँ जी। पार्टी आओ कोई भी। हाँ जी। लेकिन जिस हिसाब से पहले अफसर नहीं बैठे दे दफ्तर में, मतलब ये काम टाइम पर नहीं होया कर दे। अच्छा जी। उस हिसाब से मतलब भाजपा इन पर लगाम ठीक कर रही है। मतलब भाजपा नौकरी सिखा रही है लोगों ने? हाँ मतलब इस हिसाब से ठीक है, मतलब डोर टू डोर मतलब दफ्तर में जान दे काम हो, कोई मतलब रिश्वत खोरी के अपना मुँह तो कोई। वाह जी वाह। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? BJP भाई। BJP। धन्यवाद जी। राम राम भाई। राम राम भाई। जींद में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? जींद में उड्डा कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। उड्डे के फैन आप आज जमा वाह जी। काले बजा रहे आप उड़े। अच्छा अच्छा। तो मित्रों आपने देख लिया होगा कि लोग किसने पसंद करे किसने नहीं करते। मेरी वीडियो ने जरूर लाइक कर दियो भाई, डिसलाइक ना करा करो। वैसे तो आप कोई सी पार्टी से बिलोंग करते हो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर दियो, गाली गुली ना लिखियो। और सारे भैया ने राम राम। अगले दिन फिर देखेंगे कौन सी पार्टी ने लोग पसंद करे। धन्यवाद।